फ्रैंक विल्सन। आइंदोवन के बाद फ्रैंक विल्सन ने ईसीजी की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 1930 के दशक में मिशिगन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर विल्सन और उनके साथियों ने यूनिपोलर लिंब लीड्स और चेस्ट लीड्स को इन्वेंट किया। डॉक्टर विल्सन ने लेफ्ट आर्म, राइट आर्म और लेफ्ट लेग को 5000 ओम रेजिस्टर से कनेक्ट करके एक सेंट्रल टर्मिनल ऑफ विल्सन बनाया और ये दिखाया कि विल्सन टर्मिनल एक इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड का काम कर सकता है ताकि सही मायने में एक यूनिपोलर रिकॉर्डिंग की जा सके। तब से सेंट्रल टर्मिनल ऑफ विल्सन लगभग सारी ईसीजी मशीन्स में यूज़ किया जाता है।